जोड़ो यात्रा ने इस देश की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची है जिसके बाद की राजनीति और उसके पहले की राजनीति दो भागों में बट गई है। और मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति का 4000 किलोमीटर पैदल इस देश को नाप देना, अजनबियों को गले लगाना, उनके आंसू पोंछना, उनको ढांढस बंधाना, ये विश्वास दिलाना कि कल आज से बेहतर होगा नहीं, ये सब है मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सुंदर तस्वीर, सबसे सशक्त तस्वीर वो है जब राहुल गांधी जी महिलाओं का हाथ पकड़ के उनको गले लगाकर, किसी का माथा चूम कर, किसी के सिर पे हाथ फेरते हुए चलते हैं। ২০২৪ में देश का पीएम कौन बनने वाला है, राहुल गांधी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे? यह सवाल आज पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ के आसपास जो आबादी कही जा रही है उन सब के मन में यही सवाल है। कोई जानता नहीं कि देश की जनता किसे कुर्सी पर बैठाएगी और किसे कुर्सी से भगा देगी, लेकिन ये सब जानता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में क्या कामकाज किए और इसके हिसाब किताब करने का वक्त भी आ गया। दर्शकों, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे कि मोदी जी ने कब कब झूठ बोला, कब कब देश की जनता को झुमला दिया, कब कब वो लड़खड़ाते रहे, डरते रहे, घबराते रहे और राहुल गांधी और परिवारवाद पर झुनझुना बजाते रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों छोड़कर परिजनों या परिवार पर ज़्यादा तवज्जो और जोर क्यों दिया, इसको भी परखने का वक्त आ गया। जरा सा चलिए इस रिपोर्ट्स के माध्यम से बताते हैं कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। जो इस लड़ाई में हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ योद्धा यहाँ बैठे हैं और कुछ वीरांगनाएं वहां पर हैं। और महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में जाके मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि सफेद की एक चमकार नहीं दिखती है, रंग बिरंगे जो भारत का प्रतिबिंब है, रंग बिरंगे खूबसूरत गुलदस्ते अलग अलग प्रांतों से आए, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग रंगों में आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आते हैं और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है। यहां पर कन्हैया कुमार जी ने एक शब्द यूज किया पॉलिटिकल कल्चर का, तो मैं एक मिनट उस पर बात करना चाहती हूं और उसके बाद आगे बढ़ूंगी। भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची है जिसके बाद की राजनीति और उसके पहले की राजनीति दो भागों में बट गई है। और मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति का 4000 किलोमीटर पैदल इस देश को नाप देना, अजनबियों को गले लगाना, उनके आंसू पोंछना, उनको ढांढस बंधाना, ये विश्वास दिलाना कि कल आज से बेहतर होगा नहीं है, ये सब है मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सुंदर तस्वीर, सबसे सशक्त तस्वीर वो है जब राहुल गांधी जी महिलाओं का हाथ पकड़ के उनको गले लगाकर, किसी का माथा चूमकर, किसी के सिर पे हाथ फेरते हुए चलते थे। मुझे लगता है भारत की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा, एक बार देखा था इस देश ने और मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगी। महात्मा गांधी जब चलते थे तो वो अपने दोनों हाथ मनु और आभा के कंधों पर रखते थे और वो चित्रण करते थे कि देश की लड़कियां, देश की बेटियां सबसे आगे हैं और इस पुरुष प्रधान समाज में वो बेखौफ होके उनके साथ चलती थी। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा ने दोबारा से राहुल गांधी जी ने वो तस्वीर, वो नजीर बनाई जिसमें महिलाएं उनके साथ उन्मुक्त होकर चल रही हैं। कोई भाई समझकर उनको गले लगा लेता है, कोई बेटा समझ के उनके सिर पर हाथ फेर देता है, उनका माथा चूम लेता है। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का वो सबसे खूबसूरत वाक्या था जहां पर महिलाओं को झिझकना नहीं पड़ रहा था, वो उन्मुक्त और बेखौफ होकर चल रही थी, वो निडर थी, उनको कोई डर नहीं था, वो राहुल गांधी जी के साथ चल रही थी, उनको पता था कि वो सुरक्षित है। मैं भी एक महिला हूं और आप भी महिलाएं, और आप सब जानते हैं कि महिला अपने ऊपर किसी को हाथ ना रखने दे अगर उसको गलत लगे, तो ऐसे में एक व्यक्ति का हाथ थाम कर चलना ये दिखाता है कि पॉलिटिकल कल्चर कांग्रेस का क्या है और पॉलिटिकल कल्चर हमारे प्रतिद्वंदियों का क्या है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। यहां पर मणिपुर की बातें हुई, यहां पर झूठ की बात हुई, यहां पर एक ऐसे व्यक्ति की बात हुई
जिसको भारत जोड़ो यात्रा के बाद मित्रों भूलकर परिवारजन कहना पड़ गया इस बार लाल किले की प्राचीर से। क्योंकि अगर आप एक अच्छे बेटे हैं, अच्छे पति हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे मित्र हैं, तो आप एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे और आप एक अच्छे नेता भी बनेंगे। तो परिवार की बात ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ गई जो मित्रों की बात करता था। और ये भारत जोड़ो यात्रा का ये भी राहुल गांधी जी की एक बड़ी सफलता है। यहां पर मुझे बोला गया कि आप लोगों से मैं ये बात करूं कि झूठ का पर्दाफाश कैसे हो सकता है। अव्वल तो झूठ फैलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सत्य बहुत आसानी से बोला जा सकता है, उसके लिए आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता है, कोई बचाव नहीं करना पड़ता। और ये हमें अपने नेता राहुल गांधी जी से सीखना है। बेखौफ होकर सच बोलते हैं, इसीलिए आंख में आंख डालकर मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं और कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सांसद रहूं या ना रहूं, मेरा घर रहे या ना रहे, मैं इस देश के लोगों के लिए लड़ूंगा और हर उस सवाल को पूछूंगा जो इस देश में राजनीति के लोगों को पूछना चाहिए। मणिपुर की बातें हो रही थी यहां पर, मणिपुर का वो वीडियो आया और वीडियो उस दरिंदगी के 78 दिन बाद आया था। और ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश की असलियत है कि महिलाओं के साथ उस दरिंदगी को देखकर 78 दिन बाद प्रधानमंत्री को भी 36 सेकंड तो मणिपुर पर बोलना पड़ा, महिला बाल विकास मंत्री को बोलना पड़ा, महिला आयोग जो 36 दिन तक बैठा रहा था उसकी कंप्लेंट्स पर बोलना पड़ा। ये कहीं पर नारी शक्ति है, कहीं पर इस देश की अंतरात्मा में एक औरत के साथ ये हैवानियत हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए आप लोगों का राजनीति में आना, आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, आप लोग आगे बढ़े, ये जरूरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, अगर मोदी जी से पूछा जाए कि 10 साल में अपना एक अचीवमेंट बताइए तो बता नहीं पाएंगे। हमसे हिसाब मांगते हैं लेकिन अपना एक अचीवमेंट नहीं बता सकते। मेरे अनुसार उनका एक बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने व्हाट्सएप की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खोल दी है, जो दिन रात झूठ भेजती है और दिन रात लोगों का दिमाग दूषित करती है। आप सब व्हाट्सएप पर हैं। मैं कांग्रेस का सोशल मीडिया देखती हूं तो मैं जानती हूं कि व्हाट्सएप पे किस किस तरह की चीजें आती हैं। कुछ इतना बड़ा झूठ होता है कि आपको लगता है अरे कोई इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। तो मेरा अपना मानना यह है, अगर मेरी नसीहत या मैं अपनी दो बात कह सकूं, व्हाट्सएप पे जो झूठ देखिए उसको देखकर फोन रख मत दीजिए, उसको देखकर खंडन जरूर करिए। जिसने भेजा है उसको जवाब जरूर दीजिए, जिस ग्रुप में आया है उस पर जरूर बोलिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको चार बातें सुननी पड़ेंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको ग्रुप से निकाल देना पड़ेगा। लेकिन आपके उस झूठ का खंडन अगर वहां पर है तो वो आगे तक जाता है। ये मेरी अपनी अजमाई हुई बात है, लोग आपको चुप करा देंगे। लेकिन अगर आपने झूठ का खंडन किया है, अगर आपने वहां पर तथ्य डाला है, तो जरूर वो बात आगे तक जाती है। मैं सोशल मीडिया की एक बात आपको और बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है या कोई SMS आता है तो वो 5 या 10 लोग को फॉरवर्ड जरूर करते हैं। हम कांग्रेस में थोड़ी सी कोताही करते हैं, हमने देखा, हमें अच्छा लगा, हमने अपना फोन रख दिया। आज से ये प्रण कर लीजिए, ये प्रतिज्ञा सम्मेलन एक प्रतिज्ञा और कर लीजिए कि जो अच्छी बातों का व्हाट्सएप आएगा, जो हमारे अचीवमेंट्स का आएगा, जो सत्य का आएगा, जो आपकी पार्टी के बारे में आएगा, उसको 5 लोगों को और दीजिएगा। मैं एक बात आपसे और कहती हूं, हम लोग कंजूसी करते हैं, हमें लगता है हमने ट्वीट किया फलाने ने लाइक नहीं किया, हमने फेसबुक पे पोस्ट डाला फलाने ने शेयर नहीं किया। ये भी बहुत आपसी मतभेद का कारण बनता है। मेरा अपना मानना है कि जितना दिल खोलकर आप शेयर करिएगा उतनी ही आपकी रीच बढ़ेगी, उतने ही आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, उतनी ही आपकी बात बढ़ेगी। हम लोग छोटी लड़ाई में बड़ा लक्ष्य भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे के मैसेजेस, एक दूसरे के पोस्ट, एक दूसरे के ट्वीट्स, एक दूसरे की रील्स जितनी ज्यादा बढ़ाई जाएगी उतनी हमारी बात भी बढ़ेगी, हमारी रीच खुद बढ़ेगी। तो एक बार अजमा कर देखिए, हफ्ते भर ये कर देखिए और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो टीवी चैनल्स पर कही जाती हैं, यहाँ पर उल्लेख हुआ टीवी चैनल्स का, बहुत बदल गया हमारा देश। और मैं निर्भया और मणिपुर का कंपैरिजन आपको बताती हूँ और फिर बताती हूँ झूठ का पर्दाफाश करना क्यों जरूरी है। 2012 में निर्भया कांड हुआ, इस देश की आत्मा को झकझोर दिया, और उस निर्भया कांड के बाद कार्यवाही हो रही थी लेकिन सारा मीडिया सरकार को कटघरे में खड़े करके सवाल करता था। ये मीडिया का काम है, मैं गलत नहीं मानती उसको। इस देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी उस परिवार के टच में रहे, बच्ची को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा और जब दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई तो टारमैक पर रात को 2:30 बजे खड़े रहकर उसके शव को रिसीव किया। यह था देश, यह था देश कि राहुल गांधी जी ने बिना किसी को बताए निर्भया के भाई को पढ़ाया लिखाया और पायलट बनाया, और इसका उल्लेख निर्भया की मां ने खुद किया। ये होते हैं नेता। आज मणिपुर का कांड हुआ है और कन्हैया कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा, आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार सब की बात कीजिए लेकिन सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या इन राज्यों में 35 पुलिस स्टेशन लूटे गए हैं? क्या इन राज्यों में 3 महीने से हिंसा है? क्या इन राज्यों में लोगों के हाथ में 6 लाख लूटी हुई गोलियां हैं, असलहे हैं? क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए हैं? क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्री ने हथियार डाल दिए हैं और प्रधानमंत्री ने वहां से मुंह मोड़ लिया है? तो मुझे लगता है ये सवाल आपको किसी भी परिवेश में, जो सच की बात, जो सोशल मीडिया की बात है वो एक तरफ है, आप किसी भी परिवेश में, अपने परिवार में, अपनी मित्र मंडली में, अपने जिस अगर आप किसी क्लब का, किसी साहित्यिक संगठन का हिस्सा है, वहां पर जरूर इन बातों को बोलिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि देश कैसे चलता था और आज क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते बोलते, आजकल उनकी जबान बड़ी लड़खड़ाती है, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, बोलते बोलते बोल गए वही घिसी पिटी बातें। आज इस देश के प्रधानमंत्री को वो हैवानियत मणिपुर की घिसी पिटी लग रही है, इसका उल्लेख आपको कर रहा है। राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, हमारे नेता लोग जो यहां पर बैठे हैं, हमारे लीडर्स यहां पर बैठे हैं, नेता जी हैं, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को बढ़ाने का काम जो मीडिया आपके सत्य को नहीं दिखा रहा है उसके खिलाफ, उसके पैरेलल बात करने का काम ये आपका है। और क्योंकि यहां पर ब्लॉक लेवल तक का रिप्रेजेंटेशन है तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग बातें करिएगा तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। एक्टिव होना जरूरी है, 9 महीने हैं जनरल इलेक्शन के, और इस ये चुनाव इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि कांग्रेस को जीतना है और बीजेपी हारेगी, ये चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तय करेगा कि इस देश में महिलाओं का, युवाओं का, आदिवासियों का, दलितों का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा 2024 के बाद, इसलिए ये निर्णायक चुनाव है। और 9 महीने में आपसे मांग रही हूं, 9 महीने एक्टिव होइए, बातें करिए, झूठ का खंडन करिए, 10 WhatsApp दिन के फॉरवर्ड करिए और एक दूसरे के सोशल मीडिया को या मीडिया को साझा जरूर करिए। एक जमाना था जब लोगों को लगता था कि सोशल मीडिया कोई बाहर की चीज है, मुझे लगता है कि आज अगर आप एक ग्राउंड एक्टिविटी कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही है तो वो निरर्थक है, और उसी तरह से सिर्फ सोशल मीडिया पे करते रहिए और जमीनी कार्रवाई ना करिए वो भी गलत है। आज ये इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, आप लोग दूर दूर से हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है तो जो लोग नहीं आए हैं उनको भी इस बात का पता चल रहा है, और अगर ये सम्मेलन ना हो और हम सोशल मीडिया के बारे में ही बात करते रहे तो वो भी निरर्थक है। तो मुझे लगता है आज ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। अगर आपको कंटेंट की कभी कमी लगती है, आपके पास कंटेंट नहीं आ रहा है, आपके पास कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं आ रहा है पार्टी की तरफ से, तो वो आप अपने जिला अध्यक्ष को या अपने प्रदेश अध्यक्ष को जरूर बताइए। और नड्डा जी, मैं पूरी ईमानदारी से कहती हूं, अगर आपके पास कंटेंट की कभी भी कमी होगी तो मैं और हमारी टीम यहां पे खड़ी है और आपको हर तरह का कंटेंट हम देंगे किसी भी वाक्य पर। अगर आपको लगता है कि कोई जटिल मुद्दे चल रहे हैं और वो समझ में आने थोड़े मुश्किल हैं तो आप जरूर हमें बताइए, एक फीडबैक सिस्टम करिए जिससे कि हमें पता चले और हम स्पष्टीकरण दे सके। अगर आप कांग्रेस के हैंडल्स को ही फॉलो कर लीजिए, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो वहां से आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे नेताओं को तो आप फॉलो करते ही हैं और वहां पर भी काफी जानकारी मिलती है। मुझे लगता है बहुत इधर उधर की बात नहीं करनी है, लक्ष्य एक है और लक्ष्य है 2024 में आपकी अपनी भूमिका का, और वो भूमिका बड़ी होगी।
वो भूमिका निर्णायक होगी, वो भूमिका जरूरी है और इसीलिए आपकी भागीदारी भी उतनी जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है हम सब मन बनाकर यहाँ से जाएं कि जमीनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सोशल मीडिया पर भी उसको मुस्तैदी से लड़ेंगे तो बात बनेगी जरूर, क्योंकि आधी आबादी को पूरा हक मिलने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। एक ये भी सच है, और मैं इसी बात को कहकर अपनी बात खत्म करती हूं, एक ये भी सच है कि वो सोनिया गांधी जी की दूरदर्शिता थी, ये कांग्रेस का पॉलिटिकल कल्चर है कि घटक दल की सरकार चलाने के बावजूद 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित उन्होंने कराया, ये अलग बात है कि वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग प्रचंड बहुमत का दंभ भरते हैं, जो बात करते हैं कि उनको इस देश ने चुनकर भेजा है, उनको एक मिनट नहीं लगेगा अगर वो 33% रिजर्वेशन कराना चाहें। और मुझे फक्र है इस बात का कि हमारे और मेरे नेता ने उनसे कहा है कि महिला रिजर्वेशन पर मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन 10 साल बाद भी महिला रिजर्वेशन की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, क्योंकि मन में खोट है, औरतों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मोहरा बनाना है, और जैसा कि इन्होंने कहा, पंक्ति में आगे बिठा के चार औरतों को सजा देनी है। अगर वाकई में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो 33% रिजर्वेशन अगर मोदी जी आज चाहें तो कल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल आप सबको पूछना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, हम सब लोग आपके साथ हैं, आप जिस भी जहां पर भी लड़ रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक हो, बूथ हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, प्रदेश के लेवल पर हो, ये लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जानी है, ये सोशल मीडिया पर लड़ी जानी है, ये टीवी चैनलों पर लड़ी जानी है, क्योंकि ये लड़ाई हम और आप एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। देखा आपने ये तस्वीरें, अब देखने के बाद उम्मीद है कि आपको सच्चाइयों का पता चल गया होगा, देखने के बाद उम्मीद है कि आपको हकीकतों का अंदाजा पता चल गया होगा। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने साफ शब्दों में आपको बता दिया, अब आप ही डिसाइड कर लीजिए और फैसला कर लीजिए कि 2024 का पीएम कौन होगा, क्या होगा, क्या राहुल गांधी या फिर मोदी जी या फिर कोई और अन्य नया चेहरा आता हुआ दिखेगा। लेकिन सवाल यही है कि देश की जनता, देश की आवाम यही सवाल पूछेगी कि आपको जो वक्त मिला उसमें आपने कामकाज क्या किया और 2024 में देश की जनता किसे मौका देगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है देश का पीएम अगला कौन होना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट न्यूज़। नमस्कार।